सदर रियासत बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी की कुल जमाती हुरियत कॉन्फ्रेंस के जेरे तमाम हुरियत रहनुमा मोहम्मद फारूक रहमानी की नई तसनीफ कश्मीर के खोंचा माओसाल की रोनमाई की तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। इस मौके पर सदर रियासत ने खिताब करते हुए कहा कि भारत मकबूजा कश्मीर को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है। भारत के 5 अगस्त 2019 के गैर कानूनी इकदाम के बाद भारतीय फौज मकबूजा कश्मीर में सफाकी से कश्मीरियों की नस्ली तहतीर समेत ऐसे जराइम कर रही है जो इंसानियत के खिलाफ है और जंगी जराइम के जुमरे में आते हैं, लेकिन भारत की इस बर्बरियत और जुल्म के जरिए मकबूजा कश्मीर को हड़प करने के ख्वाब को कभी पूरा नहीं होने दिया जाएगा, क्योंकि कश्मीरी अवाम अपने हक के खुद इरादियत के हुसूल और शमाए आजादी को फरोजा रखने के लिए खून के आखिरी कतरे तक अपनी जिदोजहद जारी रखने का तहिया किए हुए हैं। अक़वामे मुत्तहिदा का कानूनी और सियासी फर्ज है कि वो अपनी मुत्तफ़िक़ा क़रारदादों की रोशनी में मसला कश्मीर का हल निकाले। 1949 में कश्मीरियों के हक में रेजोल्यूशन पास हुआ और वो रेजोल्यूशन वाजह तौर पर कहता था द फ्यूचर ऑफ कश्मीर हैज टू बी डिटरमाइंड अकॉर्डिंग टू द फ्री विल एंड एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल ऑफ कश्मीर। और ये बात समझने और जानने की बड़ी अहमियत की हामिल है कि उस वक्त पाकिस्तान नहीं बल्कि इंडिया यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में गया और उसकी ये कोशिश थी कि ये रेजोल्यूशन पास हो और ये बेसिकली जो रिलीफ दिया गया था वो भारत को दिया गया था कि वो वहां पे सीज फायर हो और अल्टीमेटली कश्मीरियों को राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन है वो मिले। भारत पहले वादे करता रहा, जवाहरलाल नेहरू ने भी सिक्योरिटी काउंसिल में कहा द फ्यूचर ऑफ कश्मीर इज इन द हार्ट्स ऑफ मैन एंड वुमन ऑफ कश्मीर, लेकिन आस्ता आस्ता वो उससे पीछे हटते गए और वो उस पर बात करने के लिए तैयार नहीं है। तो इसके लिए हमें इस बार हुकूमत पाकिस्तान से भी कहना होगा, यूनाइटेड नेशन से भी और दीगर ममालिक से भी कि वो जो यूएन के पुराने रेजोल्यूशन हैं अगर उन पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती तो आइंदा के रेजोल्यूशन की भी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं रह जाएगी। इसलिए मैं समझा हूं कि हमें एग्रेसिव अंदाज में मसला कश्मीर को भी बैन अल्कोहल पर उठाना चाहिए।